हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब राइट क्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर में और यहाँ पे देखिए आपको न्यू आइटम मेन्यू में बहुत सारे फाइल टाइप्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिसको आप रेगुलर यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके फाइल टाइप्स यहाँ पे ऐड नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप न्यू फाइल टाइप्स को यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे और इनको रिमूव कैसे करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटपैड को ओपन कर लेना है। ठीक है, नोटपैड आपके सामने आ जाएगा और इसके अंदर आपको इस कोड को जो है पेस्ट कर देना है। ये कोड जो है फ्रेंड्स, आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या वो जान लेते हैं। मैं अपने केस में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल यानी यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, एडोबी फोटोशॉप। यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए, फोटो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इसका फाइल एक्सटेंशन .psd है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे .ext लिखा है। ext की जगह आपको यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन देना है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और psd कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सेव करना है, कंट्रोल एस कर देना है। अब ये सेव करने के लिए बोलेगा। अब आपको यहाँ पे फाइल नेम देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए सेव एस टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे .txt है, इसमें आप ऑल कर दीजिए। ठीक है, ऑल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फाइल नेम देना है, कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ ext एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट के बाद ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको reg यानी .registry आपको यहाँ पे ऐड करना है, reg डॉट एक्सटेंशन। ध्यान रखना, जब तक आप .reg नहीं लगाएंगे ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरे पास एक फाइल आ गई है जो कि एक रजिस्ट्री की फाइल है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स psd एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ कि अभी यहाँ पे देखिए न्यू आइटम मेन्यू में .psd यानी फोटोशॉप का एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड नहीं है। अब मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर येस करने के लिए बोलेगा, एडमिट ऑप्शन मांगेगा और उसके बाद ये रजिस्ट्री एडिटर का ये आपको वार्निंग देगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, यस कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे मैसेज आ गया कि ये सक्सेसफुली रजिस्ट्री में ऐड हो चुका है, आपको ओके कर देना है। अब आपको चेक करना है जो एक्सटेंशन आपने psd का यानी फोटोशॉप का इसमें ऐड किया था वो ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर जो भी नेम देना चाहते हैं फाइल का, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि मेरे को मल्टीपल फाइल्स को ऐड करना है, जो मल्टीपल फाइल टाइप्स हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने एक ही ऐड किया, तो मल्टीपल्स को कैसे ऐड करेंगे, इसी में आपको राइट क्लिक करना है और एडिट करना है और इस कोड को पूरे को आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, Ctrl+C करना है और नेक्स्ट लाइन में आके Ctrl+V कर देना है। अब जैसे मैं .html का देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं psd की जगह लिख देता हूँ .html और Ctrl+S कर दूंगा। Ctrl+S करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। जैसे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ यस करता हूँ और यहाँ पे यस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नया ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये रहा देखिए html डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जितना चाहे उतने एक्सटेंशन जो है फाइल टाइप्स के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने खाली आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है। अब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे फाइल टाइप्स को ऐड कर दिया या आप किसी फाइल टाइप को रिमूव करना चाहते हैं तब क्या करेंगे। हमने ऐड तो कर दिया लेकिन हमें रिमूव करने की ऐसे अगर कोई नौबत आ गई तब हम क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अपने सिस्टम में रजिस्ट्री एडिटर को सर्च करना है और इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है ओपन करना है। यहाँ से यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्री एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जो है नोटपैड को इसी में एडिट करना है। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन देखनी है कि किस जगह पर सेव है। देखिए यहाँ पर एच की क्लासेस रूट, तो ये देखिए एच की क्लासेस रूट में है। हम यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश करना है और यहाँ पे .psd कर देना है। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पे .psd करूँगा और एंटर करूँगा तो देखिए मैं .psd पे आ गया। मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ओके यस कर देता हूँ तो .psd डिलीट हो गया। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो एक्सटेंशन ऐड किया है खाली उसी को डिलीट करना है, एक्स्ट्रा किसी को भी डिलीट मत कीजिएगा, नहीं तो आपके सिस्टम में बहुत सारी खराबियाँ भी आ सकती है। और मैं ये तो यही बोलूँगा, जैसे ही आप रजिस्ट्री एडिटर में आके कुछ चेंजेस करते हैं तो प्लीज़ अपने यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर में अपनी फाइल्स का जो है रजिस्ट्री का बैकअप जो है ज़रूर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत हो तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, ये सेफ्टी साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से .psd रिमूव कर दिया, अब बचा .html, तो चलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं .psd की जगह सर्च करूँगा .html। ठीक है, जैसे एंटर करूँगा तो देखिए आ गया मैं .html पे। अब क्या करना है आपको, .html पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से आपको यस कर देना है, कन्फर्म मांग रहा है। ठीक है, यहाँ से आप यस कर दीजिए, अभी डिलीट हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डिलीट हुआ है या नहीं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू आइटम मेन्यू में जाते हैं और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, आप सभी मैंने यहाँ पे HTML और फोटोशॉप का ऐड किया था, वो जो है अब यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप न्यू फाइल टाइप्स को ऐड कर सकते हैं अपने न्यू आइटम मेन्यू में। आप चाहे तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपन इन विंडोज़ टर्मिनल का एक शॉर्टकट आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाता है। ऐसे ही आप जो भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। 2022 में फ्रेंड्स आप सभी को मस्त मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जो है विंडोज 10 की मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।